जय श्री राम दोस्तों, आज का विषय है हस्तरेखा में धन की कोठरी। आखिर इसको धन की कोठरी क्यों कहते हैं, धन का घर क्यों नहीं कहते, या सौभाग्यशाली निशान क्यों नहीं कहते, कुछ और क्यों नहीं कहते, कोठरी से क्यों संबंध है इसका, कोठरी क्यों बोला जाता है। कोठरी तो पुराना वर्ड है, गांव का वर्ड है, कुछ और भी बोल सकते थे, आज तक इसको हम धन की कोठरी ही क्यों कहते। देखिए क्या होता है, हथेली के बीच में बड़े ट्राइंगल को, जो हथेली के बीच में हो, उसको धन की कोठरी कहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा आपके दिमाग में कभी आया कि इसको धन की कोठरी क्यों कहते हैं? इसमें जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैं इसकी व्याख्या करके, और इससे होता क्या है, इसमें भ्रांतियां क्या हैं कि हमारे हाथ में अगर ये हो और कोई कह देता है कि अरे आप तो अरबपति हो जाओगे, आप तो आजकल तो करोड़पति सभी होते हैं, मिला जुला के यहां तक तो पहुंच ही जाते हैं, तो आप अरबपति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे, इसमें कितनी सत्यता है और नहीं है उसको हम देखते हैं। इससे आपको भी मालूम पड़ जाएगा और तार्किक है तो आपको लगेगा कि हो सकता है सत्य। देखिए हस्तरेखा में कुछ चिन्हों के शुभ फायदे हैं, जैसे त्रिकोण है, वर्ग है, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, स्टार है, स्वास्तिक है, एवं जितनी भी ऊर्ध्व रेखाएं हैं, जैसे ऐसी ऐसी जो रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा है, जैसे ये रेखा है, यहाँ है, तो जितनी भी ऊर्ध्व रेखाएं हैं इसके बहुत ही अधिक फायदे हैं, ये फायदेमंद रेखाएं हैं। इसी तरह से जो आरी रेखाएं होती हैं, अधो रेखाएं होती हैं, जो नीचे की तरफ जा रही हो, तो उसके नुकसान भी हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल इस त्रिकोण की, जिसको हम धन की कोठरी कहते हैं। त्रिकोण कहीं पर भी हो हथेली में, तो उसके क्षेत्र के शुभ प्रभाव को त्रिगुणित कर देता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे आप मान लो ये जो फोटो ली गई धन की कोठरी दिखाने के लिए, अन्यथा इसमें त्रिकोण आपको और भी दिख जाएंगे, जैसे यहां पर त्रिकोण है, यहां पर है त्रिकोण, इसी हथेली में आपको एक ये देख लो यहां पर है, और भी है, मतलब ये हथेली में वहां के त्रिकोण हम जो बात कर रहे हैं ना, वो इस एरिया के त्रिकोण की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एरिया के त्रिकोण की बात, इस एरिया के त्रिकोण की बात। इस एरिया को राहु क्षेत्र भी बोलते हैं, आप इसको यहां से लेंगे राहु क्षेत्र, ऐसे ये क्षेत्र आप पकड़ लो तो इसको राहु क्षेत्र बोलते हैं। राहु क्षेत्र की वजह से इस कोठरी को धन की कोठरी नहीं कहते, पहली बात तो आप ये समझ लो। कोई भी त्रिकोण जब बन रहा होता है कहीं पर, तो वो तीन स्वतंत्र रेखाओं से, जैसे एक दो और तीन, इन तीनों रेखाओं का अलग अलग नाम नहीं होता, ये त्रिकोण बना सूर्य क्षेत्र पर। एक त्रिकोण इसी हाथ में बना हुआ है, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये भी तीन स्वतंत्र रेखाओं से नहीं बना हुआ है, इसमें आप एक हृदय रेखा लोगे और एक आप गुरु क्षेत्र से निकलने वाली ऊर्ध्व रेखा को लोगे, उसका कोई नाम नहीं है, गुरु रेखा भी नाम नहीं है, आप उस रेखा का कोई नाम नहीं लोगे, फिर भी इस क्षेत्र के प्रभाव को वो त्रिगुणित करेगा। अगर वो दो पर्वत पे गया है, एक आपके शनि पर्वत से गया है, एक गुरु पर्वत पे जा रहा है, ऐसे करके, तो ये दो पर्वत के गुण को लेकर जाएगा, गुरु के गुण को लेकर और शनि के गुण को लेकर जाएगा, और यहां पर ये दोनों के प्रभाव को त्रिगुणित करेगा। अच्छा फायदा है, अच्छी बातें हैं, मगर ये फिर भी इसको कोठरी नहीं बोला जाता, केवल कोठरी बोला जाता है इसको, जो ये है और ये है, इसको धन की कोठरी बोलते हैं। या आप इसको ऐसे भी ले सकते थे कि अगर ये ऐसा है, ये यहां तक है, ये ऐसे है, और ये इसको मैं अलग से ले रहा हूं, इसको आप मिटा दो, तो इसको आप बड़े को ले लो, ऐसे ये पूरा बन नहीं पाया, एक आके इसको ऐसे मिलाया है और एक ऐसे मिलाया है, ऐसे करके किसी तरह से आप तोड़ जोड़ करके इसको भी एक ट्राइंगल ले सकते, ये पूरा बना नहीं है, अब आप इसको ले सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं से मिल गया, ये सारी चीजें भर गई ना, आप इसको मिटा देंगे तो भी ये ऐसे करके ये आ जाएगा, तो इसको ये तो ट्राइंगल ही हो गया ना, तीन भुजाओं से बने हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। अब ये धन की कोठरी क्यों कहलाती है, इस पे हम आगे चले। देखिए होता क्या है, ये त्रिभुज तीन बड़ी रेखाओं से मिलकर बना हुआ त्रिभुज है, ये त्रिभुज मस्तिष्क, भाग्य एवं बुध रेखा के मिलन से बना है, जो दर्शाता है कि जातक का व्यक्तित्व ऐसा है कि इसके सोचने एवं सोच को क्रियान्वयन करने में भाग्य का संपूर्ण सहयोग रहता है, ये अपने आप में एक अच्छा राजयोग कहलाता है। ये होता कैसे है, ये है बुध रेखा,
बुध रेखा है, या इसको व्यापार रेखा भी बोलते हैं। ये है भाग्य और ये है मस्तिष्क। यह है मस्तिष्क रेखा। अब सीधी सीधी बात आप ऐसे समझिए, कोई भाग्य मतलब आपका संपूर्ण सहयोग। भाग्य हमेशा आप ऐसे लेकर चाहिएगा कि सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट है आपका भाग्य। सपोर्ट सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। मस्तिष्क और बुध आपस में मिलने से किसी भी काम को क्रियान्वित करने के लिए उसके पास सारी बुद्धि है, काम भी है, उसको कैसे वो फ्लो में ले जाएगा इसकी बुद्धि भी है। और जब भाग्य रेखा उसमें सपोर्ट कर गई ये वाली, तो अब उसका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि उसको कहीं रुकावट नहीं है। रोड ब्रेकर मिल जाए मगर यू टर्न भी मुश्किल से ही मिले। इसको ज्योतिष में अगर देखने जाएं तो दो तीन राजयोग बन गए इसमें। देखिए, कोठरी का मतलब यहाँ पर किसी घर या कमरे से नहीं है। यहाँ पर कोठरी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने देखा होगा गांव में जिनके पास जमीन होती है, जमींदार होते हैं जो, उनके घर पर अन्न रखने के लिए कोठरी या कोठी होती है। आप में से जो गांव वाले होंगे या आप कोठी सुने होंगे कि कोठी में अन्न रखते हैं, गेहूं और भी धान वगैरह, जो जमींदार होते हैं ना उनके पास कई सारी कोठरियां होती हैं जिनमें वे अन्न को ज्यादा दिनों तक रखते हैं। यहां पर कोठरी इस बात को दर्शाती है कि उसके रहने की जगह ही जमींदार के घर में है या समृद्धशाली आदमी के घर है, और कोठरियां होना पूर्ण रूपेण जमींदार के घर ही होती है। एक कोठरी, एक छोटा सा कोई अन्न रखने के लिए आप रख लेंगे 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो रखने के लिए, जब आपके पास 1000 किलो, 2000 किलो अन्न हो तो आप कोठरियां रखेंगे ना वहां पर। और आप समझो किसी के घर में 15-20 कोठरियां देख लो तो आप वैसे समझ जाओ ये जमींदार होगा, क्योंकि अन्न खरीद के तो कोई इतना खाने के लिए रखेगा नहीं। कोठरी होना इस बात का द्योतक है कि अमुक व्यक्ति को अपने सूझबूझ और भाग्य के बल पर जरूरतों का भरण पोषण होता रहेगा और भविष्य के लिए कुछ बचा भी रहेगा। इसको जीवन के सभी आयामों पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा देखा गया है कि धन की कोठरी होने पर जीवन और आयामों में जैसे प्रसिद्धि, चमक, वक्तव्य, साहस एवं अन्य क्षेत्र में जहाँ तक कमजोर हो सकता है, परंतु यह कोठरी होने पर वह सामान्य से तो ऊपर स्तर का जीवन यापन करता ही रहेगा। जैसे कई जमींदार ऐसे भी होते हैं जिनके कपड़े फटे मिलेंगे परंतु उनके घर में अन्न की कई कोठरी भरी हुई मिलेगी, क्योंकि उनका शुक्र कमजोर हो सकता है। कोठरी होने का ये मतलब है कि इंसान की सूझबूझ इस स्तर की तो है ही कि वो अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करेगा या भाग्य उसको इतना पूरा करके दे ही देगा। अब यहां पर अगर किसी का एक कोठरी हो, एक केवल ये जो आप देखिए, एक ये है और ये है, एक हो गई, इसको आप सामान्य समझो, इसको आप बहुत ज्यादा मत समझो कि उसके बारे में आप ऐसी प्रेडिक्शन कर देंगे या आपको किसी ने बता दिया है कि ये आप खरबपति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, धन की कोठरी है, धन की कोठरी है, किस्मत चमक गई, इस टाइप में नहीं, इतना ज्यादा मत लेकर चलो, आपकी जरूरत पूरी होती रहेगी, ये इसका द्योतक है। एक दूसरी कोठरी एक और ले लो आप, ये कोठरी हो गई, ये एक छोटी कोठरी, ये भी हो गई, एक और कोठरी हो गई, ये ऐसे करके हो गई, इसी बीच में ये तीन रेखाएं, ये राहु रेखा है, ये भी एक निकलने वाली एक रेखा है और ये भी भाग्य रेखा ही है, और ये जाके मस्तिष्क पर मिलती, मस्तिष्क से पहले ही खत्म हो जाती। तो भाग्य रेखा, राहु रेखा, और इसको आप दोहरी भाग्य रेखा कह लो या फिर यहां से सूर्य रेखा टाइप में, यहां से वैसे ये निकल तो यहां से रही है, इसको अगर देखेंगे तो ये यहां से निकल के और ऐसे जा रही है और ये ऊपर तक जा रही है, और ये एक राहु रेखा है जो इनको परेशानी भी देगी और यहां से काट रही है, और ये तो एक ट्रायंगल है ना बीच में, एक कोठरी ये हो गई, ये है अचानक वाली जो राहु रेखा से भी बनी है और ये सूर्य की तरफ देख रही है, ये भी आगे गई है, ये ऐसे गई है और यहां तक गई है, और ये है एक रेखा, ये राहु रेखा मिलके
एक ये इसने जो ट्रायंगल बनाया है वो ऐसे बनाया है, यहां से ये जीवन रेखा, राहु रेखा और सूर्य रेखा को मिलकर, मतलब जीवन में अचानक एक बार ऐसा आएगा जो इनकी प्रसिद्धि से इनको, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी अपने आप ही, जो प्रसिद्धि होगी उससे इनके लिए अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, और उसमें हो सकता है राजनीति कारक हो इनका, राहु रेखा से बना हुआ है और उससे पहले कष्ट भी आएगा, राहु रेखा अपने आप में एक कष्टपूर्ण रेखा है तो वो कष्ट तो देकर ही छोड़ेगा, मगर ये यहां तक पहुंचाएगा भी। अब ये आप इस ट्रायंगल को ले लो, यहां से इस वाले ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल हमने देखा है, ये वाली ट्रायंगल, ये है जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा। जीवन में भी जुझारू इतने होंगे कि सोच के अपने जीवन को अच्छा रखेंगे और भाग्य उसमें सपोर्ट करेगा। काम में भी जुझारू इतने होंगे कि सोच के काम को अच्छा रखेंगे, भाग्य उनका सपोर्ट करेगा। अब यहां पर ये जो है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल, ये अपने काम को येन केन प्रकारेण किसी तरह से निकाल ही लेंगे, क्योंकि यहां दोहरी मस्तिष्क रेखा से और बुध रेखा से, या व्यापार रेखा आप इसको कहिए, इससे बनके एक ट्रायंगल बन रहा है यहां पर। तो धन की कोठरी का मतलब यही है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा, आप इसको लेकर चलो कि आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा, आप ठीक ठाक रहोगे, अच्छे रहोगे, जीवन में चलते रहोगे। मगर इसका ये नहीं कि एक एक ही, अगर एक आपके पास एक यही है और उसको लेकर चलो कि नहीं आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, अभी नहीं है बाद में हो जाएगा, इसको लेकर मत चलिए। इसके उपाय हैं जिससे आप कोठरी और भी बना सकते हैं, और भी कोठरी बन सकती हैं। हस्तरेखा के उपाय से आप रेखाएं बना भी सकते हैं, रेखाएं तोड़ भी सकते हैं। इस बीच में तीन रेखाओं से, तीन रेखा जो स्वतंत्र हो उससे नहीं, तीन रेखाओं से जो इंडिविजुअल उनका अस्तित्व अलग अलग हो, उससे जब आप की कोठरी बनती है कोई, ये वाली, तो उसको आप समझिए कि ये धन की कोठरी मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा करता हूं धन की कोठरी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे और हस्तरेखा पर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा, ताकि आगे मैं हस्तरेखा पर और वीडियो आपको दे सकूं, कुछ उपाय दे सकूं। अच्छा, जय श्री राम।